हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? कल हमने की थी एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अपनी तैयारी थोड़ी इंक्रीज कर दो भाई, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करो प्रीवियस चैप्टर्स के, और जो भी सैंपल पेपर आपको दिया है आपके स्कूल में उसे रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करो, ताकि अब तो एग्जाम बिल्कुल नियर अबाउट आ गए हैं और डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है, तो अपनी तैयारी पे ध्यान दें। कल हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और टू वेरिएबल्स में हमने जनरल जो लीनियर इक्वेशन आपको बताई थी वो थी हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, क्लियर। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास जनरली 3 मेथड्स होते हैं। इसका जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन का, वो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकली मेथड, ठीक है, ग्राफिकली मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते हैं इसमें। और तीसरा जो हमारे पास है वो है इलिमिनेशन मेथड। अब यही 3 आपके सिलेबस में रह गए हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब इन तीनों मेथड्स में से जो ग्राफिकली मेथड है वो हमने 3.1 एक्सरसाइज में करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये 3.2 एक्सरसाइज में, और ये वाला जो मेथड है ये 3.3, क्योंकि आपकी अब आपके थर्ड चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज रह गई है। ग्राफिकली जो मेथड होता है वो हम 3.1 में कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो एक बार जाकर देख लें, ठीक है। आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज, इसमें हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ग्राफिकली मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स है, इसीलिए हमने मेथड को डिस्कवर करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई आपको वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 में एक्स की, या वाई की इस तरीके से आ गई, या फ्रैक्शन में आ गई 1.77 1.3 ऐसे करके कोई वैल्यू आ गई, तो उस केस में क्या होता है कि ये ग्राफिकली मेथड ग्राफ ड्रॉ करने में हमें दिक्कत होती है। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम वहां पर अप्लाई करते हैं। समझ में आई बात? तो अब हम आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलिमिनेशन मेथड, क्लियर। तो हम अब आपको मेथड बताएंगे किस तरीके से आप मेथड स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये देखिए, देखिए क्वेश्चन लेते हैं उससे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू सॉल्व, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको ये इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन मैं दोबारा से रीराइट कर रही हूं यहां पर। अब इसमें से आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ये x की वैल्यू है आपके पास, और इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है बच्चा। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक है, हमने यहाँ पर पुट किया। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम x की वैल्यू
x की वैल्यू हम कहां कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू हम यहां पे लिख लेते हैं दोबारा से, x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, और x की वैल्यू है यहां पर 14 माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। 14 माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, माइनस टू वाई हो जाएगा बेटे 4, और 10 को अगर ले जाएंगे तो कितना होगा माइनस 14। क्लियर। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिए, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2, 2 5 जा 10 एंड y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे, इक्वेशन 3 है आपके पास x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू आप इधर डाल दीजिए 14 माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 9। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर। तो इसमें हमने करा क्या था बच्चे, ये जो सॉल्यूशन हमारा निकला है, ये हमारा निकला सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होती है वो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, एक बार लिखे कि किस क्या हमें क्या चाहिए, क्या अलग से क्या आपको डाउट है वो भी आप बता दें, क्या डाउट है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, हाँ जी, सम नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट का हम, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, एक तो सिंपल इक्वेशन है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है एस अपॉन 3 पी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन आपको दिए और सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो आप राइट कर लीजिए दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यू हैव टू डू द एलसीएम। देखिए इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम क्या होगा 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 6 एलसीएम होगा 3 और 2 का, ठीक है, 3 2 जा 6 2s एंड 2 3 जा 6 3t, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये किसके इक्वल है 6 के, ये 6 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी बनकर आई है, ये इक्वेशन जो आपको फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज है, ठीक है, ये इस इक्वेशन का नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आपने रीराइट करी थी, इसमें से आप एस की वैल्यू निकाल लीजिए, एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप नाम दे दीजिए स्टार इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां से एस की वैल्यू निकाली, इसका इस का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद बच्चे हमने यहां पर हमारे पास आ गया 2x plus 3t is equal to 36। अब हम क्या करेंगे, इसमें से s की वैल्यू जो आपने निकाली थी, इस s की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास थर्ड इक्वेशन में 2 3 plus t plus 3t इज इक्वल टू 36, 2 3 जा 6 2t 3t इज इक्वल टू 36। अब 2t और 3t कितना हो गया हमारे पास 5t, कितना हो गया 5t हो गया, और 36 माइनस 6 क्योंकि वहां प्लस 6 है इधर आकर माइनस 6 हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 6, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक है। अब t की वैल्यू को पुट इन स्टार इक्वेशन, स्टार इक्वेशन में आप डाल देंगे तो क्या आएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, सो s इज इक्वल टू कितना आ गया 9, s इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से आपको सम नंबर सेकंड कंप्लीट करना है। अगर आपके पास इस तरीके से रैशनल नंबर में आपको ये दी हुई है वैल्यूज, दी हुई वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आप एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आगे बच्चे टी और एस की वैल्यू, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये भी हमें सेम है सेकंड की तरह ही करना है, ठीक है। आपको इसमें से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन से और इस x की वैल्यू को इसमें पुट करना है, यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट देखो। देखिए फोर्थ पार्ट में बच्चे 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसे देखिए, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसमें से आप डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी 10 ही आएगा। तो 2x प्लस 3y अपॉन में 10, 13 अपॉन में 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। सिमिलरली हमारी इक्वेशन भी इसी तरीके से बन जाएगी, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये आपको इस तरीके से दो पार्ट कंप्लीट करने हैं अपने, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम नंबर 5। यस बच्चे फोर्थ पार्ट, रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या करोगे बच्चे, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, इस वाले क्वेश्चन में भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे जो आपने, तो इसे आप कुछ ट्राई करोगे, ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 3x बाय 2 5y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x अपॉन 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, इस वाले इक्वेशन में एलसीएम आएगा हमारे पास, इस वाली इक्वेशन को मैं रीराइट कर रही हूँ, 3x बाय 2 5y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 6 हमारे पास यहाँ एलसीएम आ गया, 2 3 6, 3 3 9x, 3 2 6, 2 5 10y इज इक्वल टू माइनस 2। देन यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आप इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड है आपके पास x अपॉन 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6, 3 2 6 एलसीएम, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2x, दिस इज 3y इज इक्वल टू 13 बाय 6, 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो आप, डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर में अगर दोनों साइड बराबर है तो इक्वल टू के दोनों साइड हो तो काट सकते हो, ऐसे न्यूमिनेटर को कट कर सकते हो, या आप इसको इधर ले जाओगे तो इससे ये कटेगा, एक ही बात होती है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी बनेगी वो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड सेम प्रोसीजर से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, इसे आप अपने आप सॉल्व करिए, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करिए, ठीक है, सॉल्व इट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सम नंबर 2 की, ठीक है। सम नंबर 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे सम नंबर 2 में एक अलग सी क्वेरी है हमारे पास, वो कह रहा है आपको कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। m की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एम की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो
तो सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, वाई की इधर पुट कर देंगे, तो एम की वैल्यू हमारे पास निकलकर आ जाएगी। ये हम लॉजिक लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप यहां से क्या करेंगे, देखिए निकालते हैं हम इनकी वैल्यू, पर कैलकुलेट करते हैं। 2x + 3y = 11, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो 2x = 11 - 3y, 3y को उधर ले जाएंगे, और x = 11 - 3y / 2, इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहां से ये वाली जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, आप इसे दोबारा से लिखिए, -2y, यहां पर आप x की वैल्यू डाल दीजिए, 11 - 3y / 2 -24 इधर आएगा आपके पास, 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -7y - 24 - 11 हो जाएगा, -7y = -35 - -7, 5 = 35 and y = 5 आपका यहाँ पर आ गया। अब y की वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दोगे, इसको हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x = 11 - 3 × 5/2, तो 11 - 15/2, ठीक है, डेट इज -4/2 एंड 2 × 4, सो x = -2। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही, थोड़ा छोटा कर देते हैं, x = -2 यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है y = mx + 3, y = mx + 3, तो y की वैल्यू आई है आपके पास 5, m as it is, x आपके पास आया -2 and + 3, तो आप इसे उधर लेकर जाएंगे, तो ये 5 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2m - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 उधर जाएगा, m = -1, तो m की वैल्यू हमसे पूछी है वो हमारे पास निकल कर आ गई m = -1, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सम नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 हमारे पास क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए जितनी भी आपके पास सम नंबर 3 में सारी प्रॉब्लम्स है वो स्टेटमेंट वाली है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है आपको केयरफुली पहले रीड करनी है, 1 टाइम 2 टाइम पहले आप रीड करिए, फिर आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या है, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट रॉन्ग कर ली तो फिर सब भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, थर्ड सम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times the other, वन नंबर इज 3 times the other, तो पहले आप नंबर लेट कर लीजिए, लेट अस टेक टू नंबर्स एक्स एंड वाई, आपने सबसे पहले दो नंबर लेट कर लिए एक्स एंड वाई, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, डिफरेंस हो जाएगा x - y, ठीक है, और जो डिफरेंस आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख सकते हैं, x - y आपके पास है 26, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में कोई हमसे ये कह रहा है कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, जो फर्स्ट नंबर है आपका, अगर आप फर्स्ट नंबर या फिर टू नंबर है तो फर्स्ट नंबर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा, तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का कितना है, 3 times है, तो पहले आप इधर x रखिए और फिर यहाँ इधर y, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका 3 times है, इससे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से 3 times है, तो आप 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऐसा हम क्यों करेंगे, देखिए बच्चे अब मेरे पास दो नंबर है,
ये सिक्स है और ये थ्री है, ठीक है। तो सिक्स जो है थ्री से टू टाइम है, ये टू टाइम है, लेकिन इक्वल करने के लिए जितने टाइम में ज्यादा है उतनी मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगी। अब ये इक्वल हो गए, ठीक है, अब ये इक्वल हो गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। किस मेथड से करोगे आप, इस मेथड पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। जो मेथड आपको आपकी मैंने समझाया था इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये सॉल्व करनी है इक्वेशंस दोनों। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आप इधर पुट करेंगे, देखिए ये 26, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए 26 प्लस में वाई, और इस वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स तो पहले आप इक्वेशन लिख लो, एक्स की वैल्यू है 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन में 2, दैट इज 13। तो 13 आपके पास y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालिए, यहाँ पर जहां से हमने वो वैल्यू निकाली थी, कहां से निकाली थी आपने बच्चे, कहां से ये करा था, ये जो y की वैल्यू है आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें आप y की वैल्यू डालो इसके अंदर, तो क्या आएगा, x प्लस इज इक्वल टू 26 प्लस y, 26 प्लस में 13, ठीक है, 39, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप हमने ये सम कंप्लीट किया है। अब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ की मैं आपको हिंट दूंगी, मतलब इक्वेशंस बना के दूंगी, प्रोसीजर सेम है सॉल्व करने का, तरीका वही है बिल्कुल, आपको चेंज नहीं करना, बस आपकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट करनी है, तसल्ली से करो कैलकुलेशन, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि फिर आप प्लस माइनस की गड़बड़ करते हो, पूरा सम वहीं पे गलत हो जाता है आपका। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिए, वैल्यू किसमें पुट करनी है, कैसे निकालनी है, वो सारा मैं प्रोसीजर ऑलरेडी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, सारा आप ध्यान से इसको देखिए। तो ये है आपका सम नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का, मतलब इसी पार्ट, देखिए इसमें देखिए सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 डिग्री। फाइंड देम देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री, क्लियर। तो ये आपको करना है इसमें, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एंगल लेट करेंगे इसके सॉल्यूशन में, लेट अस टेक स्मॉलर एंगल, पहले हम स्मॉलर एंगल लेट कर लेते हैं x डिग्री, एंड लेट अस टेक लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है उसे हम मान लेते हैं y डिग्री। अब क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे उसने हमें बताया है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो x प्लस वाई इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर है इनमें सप्लीमेंट्री एंगल में, वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18 डिग्री, तो स्मॉलर वाला एक्सीड कर रहा है, लार्जर वाला एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से, तो लार्जर एंगल आपका वाई है, स्मॉलर एक्स है, तो ये एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब 18 डिग्री
ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो आप 18 डिग्रीज में ऐड करेंगे। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था किस तरीके से हम करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है तो इसमें कमी है, तो इक्वल करने के लिए आप इसमें देखेंगे तो y x को आप इधर लेकर आइए तो आपके पास कितना आ गया 18 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई, आप चाहे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों आपको सॉल्व करनी है, सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे आप जैसे मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, ठीक है 3800 में, एंड शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो 7 बैट और 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो 3800 है, और 3 बैट्स और 5 बॉल्स की जो कॉस्ट है ना 1750 है, तो ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट निकालनी है आपको। तो इसमें भी आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे। मैं इसको रब कर देती हूँ, देखिए और टोटल इनकी जो कॉस्ट है 3800 है, तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वो हमसे ये कह रहा है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स उनकी जो कॉस्ट है वो 1750 रुपीस। तो आप इस प्रोसेस से करेंगे इसे, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। और x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, और y की वैल्यू क्या है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। इस तरीके से आपके क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें फिफ्थ पार्ट, देखिए द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंजिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है हमारे पास, ये हमारे पास टैक्सी है, तो ये हम इस तरह से कुछ टैक्सी का कुछ बना सकते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास टैक्सी है, तो ये होगी ये ऐसे करके। अब ये जो टैक्सी है ये कुछ चार्ज कर रही है, यानी यहां तक तो ये इसका फिक्स चार्ज है, ये तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, ये फिक्स चार्ज है, और अगर यहां से यहां तक आप जाते हो तो फिक्स है उसका चार्ज, स्पेलिंग ठीक से लिख देंगे, और अगर आप इससे आगे जाते हो तो ये एडिशनल चार्ज है, ये इसके लिए वो अलग से चार्ज करती है, ये एडिशनल, ठीक है, ये हमारे पास एडिशनल चार्ज है। एडिशनल में क्या करता है, तो एडिशनल चार्ज में क्या होता है, ठीक है बच्चे, ये आपके पास है फिक्स चार्ज और ये है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज का मतलब है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो जो फिक्स चार्ज है इसको हम x ऐड कर लेते हैं और जो एडिशनल चार्ज है इसको हम y ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है आपके पास वो है x रुपीस, ठीक है, और जो आपके पास एडिशनल चार्ज है यानी चार्ज पर किलोमीटर जो है वो आपके पास है y रुपीस, ठीक है। अब फर्स्ट में वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए उसने, उसने 105 रुपीज दिए हैं, तो 10 किलोमीटर अगर वो कवर करा है फर्स्ट कंडीशन में 10 किलोमीटर और 105 दिया, तो x तो फिक्स ही है और 10 किलोमीटर चला है पर किलोमीटर, तो 10 किलो 1 किलोमीटर में y रुपीज है, तो 10 में कितने हो जाएंगे 10y, और टोटल कितने दे रहा है वो 105 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है।
दूसरे में कोई ये कह रहा है आपसे कि वो आपको 15 किलोमीटर चला है और 155 दे रहा है, तो 15 किलोमीटर में ये तो फिक्स हो गया 15 इंटू वाई और इज 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155। ये हमारे पास आगे वैल्यू, ये हमारे पास आगे वैल्यू। अब इस तरीके से आपके पास वो ये कहना चाह रहा है, सबसे पहले आप x और y निकालेंगे, इससे आपका फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद 25 किलोमीटर और चलाए वो, तो आप इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 25 किलोमीटर का भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 25 पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इसमें रखेंगे x और y की, तो आपके 25 किलोमीटर का भी सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। तो बिफोर 5 ईयर्स जैकब की जो एज है वो x माइनस 5, सन की एज है वो y माइनस 5। अब हमें ये बोला है कि बिफोर 5 ईयर्स जैकब की एज सन की एज से 7 टाइम है, तो ये वाली 7 टाइम है, तो जब हम इक्वेशन को सेट करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई आप इस साइड पर, ठीक है, इक्वल टू करने के लिए, तो x माइनस 5 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 35 एक्स माइनस 7 वाई, ठीक है, माइनस 35 प्लस 5 आप इधर लेकर आएंगे, माइनस 5 इधर आकर प्लस 5 हो जाएगा, एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई है बच्चे। इन दोनों इक्वेशंस को आप सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस से, इससे आगे आप खुद इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप अपने आप करेंगे, सॉल्व बाय योर, ठीक है। तो ये थी बच्चे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 3.2 सारी कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट करिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, कोई और स्पेशल आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि आपकी जो अब एग्जामिनेशन है उसके लिए आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए मैथ्स में। और कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कल वाली वीडियो एक बनाई थी, उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि अगर आपके पास सपोज आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, तो उस कंप्लीट पेपर में जैसे थ्योरी का पेपर है, लाइफ साइंस का पेपर हो या आपका कोई भी एसएसटी का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप उसके लिए एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद आप जितने बेसिक चीज़ें हैं उसमें मैंशन कर दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और टाइम भी आपका काफ़ी कम यूज होगा, इस तरीके से आपका पेपर भी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम करेंगे 5th पार्ट। ठीक है, 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया, 4 पार्ट तक। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करिए। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें 5th पार्ट। इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 If 2 is added to both the numerator and denominator, this is the statement. और NCERT आई थिंक सबके पास होती है, तो आप थोड़ा बुक लेके बैठे ताकि क्लियर हो जाए आपको। If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Then find the fraction. देखिए, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको फ्रैक्शन आना चाहिए बनाना। तो let us take fraction x upon y. इट मीन्स x इज न्यूमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब वो कह रहा है कि अगर आप 2 एडिट करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है इफ 2 इज एडिट टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी हम x में भी 2 ऐड कर रहे हैं और y में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 9/11। क्लियर, देन यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 11x प्लस 22, 9y प्लस में 9 टू जा 18। अब यहाँ से आप लेंगे 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22। ठीक है, तो 11x माइनस 9y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड वन, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, सेकेंड में वो ये कह रहा है
कि अगर आप 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, तो हमने 3 ऐड कर दिया, अब आपका जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 5/6, ठीक है। अब दोबारा से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 18, 5y + 15, क्लियर। अब यहां से आप हम इक्वेशन मेंटेन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आप y को उस तरफ ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, 15y - 18, 6x - 5y = -3, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप इन दोनों को सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें आप पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस वे में किया था। तो आप इसे अपने आप ट्राई करेंगे, ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सम नंबर 3rd के 6th पार्ट की। अब हम 6th पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसे मैं रफ कर देती हूँ पहले। देखिए बच्चे, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट है, इसमें 5 years hence the एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of son, 5 years hence, मतलब कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो सन की एज से 3 times है, ठीक है। एंड 5 years ago जैकब एज वाज 7 times that of son। अब जैकब की और सन की बात हो रही है, ठीक है, ये है जैकब और ये है सन, ठीक है। अब जैकब जो कि फादर है उसकी एज में एक्स ईयर सिलेक्ट कर लेती हूँ, एक्स ईयर मैंने लेट कर ली, और सन, ठीक है, सन की जो एज है वो मैं वाई ईयर्स लेट कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है कि 5 years आफ्टर 5 years, ठीक है, 5 years या आप ऐसे लिख दीजिए आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years जो जैकब की एज होगी वो क्या होगी, x प्लस 5, और सन की जो एज होगी वो क्या होगी, y प्लस 5, ठीक है। अब दोनों में कंडीशन क्या है कि 5 years hence the एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ सन, ठीक है। तो जो आपकी इसकी जो एज है ये 3 times है, मतलब सन की एज 3 times है। तो किस तरीके से हम करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ था कि जैसे ये 6 है और ये 3 है, तो 6 जो है वो 2 times ज्यादा है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, तो 6 = 6 हो जाएगा। तो ये 3 times है, तो इनको इक्वल करने के लिए आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो x प्लस 5 3y प्लस में 15, सो y को आप इधर ले आएंगे, x माइनस 3y 15 - 5, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये आपके पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब वो बात कर रहा है नेक्स्ट, इसको कह रहा है हमसे कि आफ्टर जैकब वाज 7 times डेट ऑफ सन 5 years एगो, एगो का मीन्स होता है पहले, ठीक है। अब ये तो थी हमारी 5 years आफ्टर 5 years, अब हम यहां बात कर लेते हैं कि बिफोर 5 years, ठीक है। तो बिफोर हम यहां बात कर लेते हैं, सॉरी यहां ऊपर कर देती हूँ मैं, बिफोर 5 years, तो बिफोर 5 years जो हमारे पास जैकब की एज होगी, जैकब की जो एज होगी वो होगी x माइनस 5, और सन की जो एज होगी वो होगी y माइनस 5, ठीक है। अब कंडीशन हमें ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू डैट कंडीशन, ठीक है,